नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारतीय क्रिकेटर मुरुगन अश्विन के जीवन के बारे में। 2017 की आईपीएल नीलामी में कई चेहरे सामने आए, जिनमें से एक है मुरुगन अश्विन भी। गौर करने वाली बात यह है कि इस नीलामी में कई बड़े चेहरे गायब हैं। इन नए चेहरों को लेकर जहां मीडिया काफी कंट्रोवर्शियल अफवाहें फैलाकर इन्हें सुर्खियों में ला रही हैं, वहीं धीरे धीरे इन खिलाड़ियों की योग्यता के बारे में भी जानने को मिल रहा है। खैर, अश्विन पर लोगों की नजर तब गई जब पुणे सुपर जायंट्स ने इस खिलाड़ी को 4.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि बेस वैल्यू सिर्फ 10 लाख थी। यदि आप मुरुगन अश्विन के फैन हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। बात करते हैं मुरुगन अश्विन के जन्म और परिवार के बारे में। एम अश्विन का जन्म 8 सितंबर 1990 को चेन्नई में हुआ था। यह तमिल सिनेमा के स्क्रिप्ट राइटर और HCL के वाइस प्रेसिडेंट एरा मुरुगन के सुपुत्र हैं। मुरुगन बचपन से ही अध्ययन और खेल पर सामान्य ध्यान दे रहे थे। पिता के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। पिता ही इनके सबसे अच्छे मित्र भी हैं। जब IPL के नीलामी में इनका नाम आया तो सबसे पहले इनके पिता ने ही ट्वीट किया। बात करते हैं अश्विन की एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंथम हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई और DAV पब्लिक स्कूल चेन्नई से पूरी की। अश्विन श्री शिव सुब्रमण्यम नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएटेड हैं। आइए बात करते हैं अश्विन के क्रिकेट करियर के बारे में। अश्विन ने पहला प्रथम श्रेणी का मैच उड़ीसा के खिलाफ 2012 में रणजी ट्रॉफी के लिए खेला था। इस युवा खिलाड़ी के लिए दुख की घटना यह रही कि मैच 3 दिन ही चला और बारिश के कारण आगे का मैच नहीं हो पाया। अश्विन उस मैच में एक भी ओवर नहीं फेंक पाए थे। अगले मैच में कर्नाटक के साथ उनकी पिटाई हो गई। उन्होंने एक विकेट लेकर 176 रन दिए थे। 2016 में उन्हें मुंबई के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। उन्होंने रवि अश्विन के साथ उस मैच में गेंदबाजी की थी। लगभग 8 ओवर में उन्होंने 38 रन देकर 3 विकेट थे। उन्होंने शतक बनाकर खेल रहे एहर वेदकर को बोल्ड कर पहला विकेट लिया था। तमिलनाडु ने इस मैच को 25 रन से जीता था। हालांकि उनके प्रथम श्रेणी के मैच ए सूची के मैचों के विवरण देकर उनकी काबिलियत पर यकीन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने सिर्फ 3 प्रथम श्रेणी के मैच को खेला था और उस मैच में उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए थे। आइए बात करते हैं अश्विन के IPL करियर के बारे में। हालांकि घरेलू क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी उतनी नहीं चमकी थी, पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और लगभग 6 मैचों में ही 10 विकेट लिए थे। काफी काफियातिक गेंदबाजी और बड़े खिलाड़ियों को आउट करने के कारण इनका सम्मान बढ़ता गया, इसलिए IPL नीलामी में इन्हें 4.5 करोड़ देकर खरीदा गया। इन्होंने IPL में 45 गुना ज्यादा मूल्य पर नीलामी की बोली प्राप्त की थी। इस बार IPL 2022 में मुरुगन अश्विन को मुंबई इंडियंस ने 1.60 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर उन्हें खेलने का मौका दिया है। मुरुगन अश्विन से मुंबई इंडियंस को काफी उम्मीद रहेगी। आइए बात करते हैं इनके पर्सनल स्टैट्स के बारे में। मुरुगन अश्विन की हाइट 5'7" है और इनका वेट 65 किलो है और इनका बॉडी मेजरमेंट चेस्ट 38 इंचेस, वेस्ट 30 इंचेस, बाइसेप 13 इंचेस और इनके काले बाल और काली आंखें हैं। चलिए बात करते हैं इनके फेवरेट्स एंड प्रेफरेंसेस के बारे में। फेवरेट एक्टर रजनीकांत, फेवरेट एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली, बैटिंग स्टाइल राइट हैंडेड बैट्समैन, बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म स्पिन। आइए बात करते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। अश्विन की अनुमानित कमाई 2022 तक 10 करोड़ है। आइए बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। वर्तमान में अश्विन के पास लैंड रोवर है। सम लेसर नोन फैक्ट अबाउट अश्विन। क्या मुरुगन अश्विन धूम्रपान करते हैं? नहीं। क्या वे शराब पीते हैं? नहीं।